हेलो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पॉइंट थ्री क्वेश्चन फाइव डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इज यू हैव स्टडीड इन क्लास नाइंथ चैप्टर नाइन एग्जांपल थ्री दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज़ वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी बी सी वर्टिस आर फोर माइनस सिक्स बी थ्री माइनस टू एंड सी फाइव टू ओके अभी हम लोग क्वेश्चन का मीनिंग क्या है समझेंगे ओके okay? इधर मैं एक ट्राएंगल ड्रॉ किया है ओके okay? क्वेश्चन में दिया है ए बी सी इज अ ट्राइंगल उसका थ्री वर्टिस दिया है ए बी सी ओके बाद में बताया गया है मीडियन ऑफ अ ट्राएंगल डी जो है ना ये डी मीडियन है ओके ए डी इज मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ओके ये ट्राइंगल ए बी सी में बी सी एक साइड है ओके सेम वे ए बी एक साइड है ए सी एक साइड है बी सी साइड में डी मिड पॉइंट है ओके वी कैन से लाइक दिस आल्सो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी बीसी का मिड पॉइंट डी ऐसा हम लोग बता सकते हैं ओके अभी उसको हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे ओके अभी क्या क्या बताया ना उसको वर्ड्स के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे अभी इना ट्रायंगल ए बी सी इना ट्रायंगल ए बी सी कामा, मां एडी इज द मीडियन ओके एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने का है इक्वल एरिया बताया है मीन्स अभी ए डी मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ए ओके okay. अभी हम लोगों को ये ट्रायंगल में दो ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहे ये ये एक ए बी डी ट्रायंगल है ओके okay. अभी ए डी जो है ना ये ए बी सी ट्रायंगल को टू इक्वल ट्रायंगल एरिया में डिवाइड किया है ओके okay. अभी हमें फाइंड आउट करने का है ये कितना एरिया है ये कितना एरिया है सेम सेम है वो तो हम लोगों को पता चल गया ओके okay? लेकिन हमें अभी प्रैक्टिकली वी हैव टू सॉल्व एंड वी हैव टू से बोथ आर हैविंग सेम एरिया ओके उसके पहले हम लोगों को डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट करने का है ये का वर्टिसेस मिल गया हम लोगों को सेम वे बी का सी का मिल गया ओके okay? डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम लोगों को फाइंड आउट करने का है मिड पॉइंट फार्मूले यूज करके ओके okay? सो so, हम लोग अभी लिखेंगे डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ऐसे लिखेंगे ओके कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मिड पॉइंट फार्मूले एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू कामा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय टू अभी बी सी ना इस इधर हम लोग मार्क करेंगे X1 Y1 X2 Y2 अभी ये वर्टिसेस जो है ना ये फार्मूले में हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे ओके सो नेक्स्ट स्टेप में X1 वन प्लस एक्स टू थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू वाई वन प्लस वाई टू माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाय टू नेक्स्ट स्टेप फाइव प्लस थ्री एट डिवाइडेड बाय टू माइनस टू प्लस टू कैंसल हो जाती है ओके सेम नंबर है डिफरेंट साइन है वो कैंसल हो जाती है सो जीरो बाय टू ये एक दूसरों से टू टेबल में कट हो जाती है कट करेंगे हम लोग टू वन जा टू फोर जा ओके सो फोर जीरो जीरो डिवाइडेड बाय टू मीन्स हम लोगों को टू से जीरो डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर जीरो मिलती है सो जीरो इज द आंसर सो so, हम लोगों को मिल गया डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट फोर जीरो ओके इधर मैं लिख दिया फोर जीरो करके ओके okay? अभी हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूले यूज करके ए बी डी का एरिया फाइंड आउट करने का है हम लोगों को ओके okay? सो so, अभी नेक्स्ट स्टेप में इनर ट्राइंगल ए बी डी एरिया ऑफ द ट्राइंगल फार्मूले हम लोगों को भी लिखना पड़ेगा ऑफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वन माइनस वाई टू अभी हम लोगों को ए बी डी का वर्टिसेस पॉइंट्स मैं इधर लिख देती हूँ ओके सो ए का फोर माइनस सिक्स नेक्स्ट बी थ्री माइनस टू ये बी डी लिया है हम लोग ओके अच्छी तरह से देख के कॉपी करने का है नहीं तो मिस्टेक हो जाती है फोर जीरो अभी हम लोग मार्क करेंगे इसको ये एक्स वन ए वाई वन ये एक्स टू ये वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री अभी ये वर्टिसेस जो है ना हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल के फार्मूले में सब्सिट्यूट करने वाले हैं ओके सो नेक्स्ट स्टेप में ऑफ इंटू एक्स वन फोर इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री वाई टू मीन्स माइनस टू वाई थ्री माइनस जीरो प्लस एक्स टू एक्स टू मीन्स थ्री y3 थ्री माइनस वाई टू वाई थ्री मीन्स जीरो माइनस वाई वन वाई वन मीन्स माइनस सिक्स फोर इंटू वाई वन माइनस वाई टू वाई वन मीन्स माइनस सिक्स माइनस ऐसे लिखेंगे वाई टू मीन्स माइनस टू वन बाई टू फोर माइनस टू माइनस जीरो मीन्स माइनस टू है प्लस थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स फोर माइनस इंटू माइनस प्लस ओके सो माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर नेक्स्ट स्टेप में ऑफ इंटू फोर टू जॉ एट माइनस इधर माइनस लिखेंगे ओके माइनस टू बराबर है सो सिक्स थ्री ज़ा एटीन ओके अगेन ईयर प्लस इंटू माइनस माइनस फोर फोर जॉ सिक्सटीन सो नेक्स्ट स्टेप में माइनस एइट माइनस सिक्सटीन ट्वेंटी फोर है ना माइनस ट्वेंटी फोर प्लस एटीन ओके सो फोर्टीन से एट माइनस करेंगे तो सिक्स आता है ओके बिग्गर नंबर के पहले माइनस सिंबल है इधर सो आंसर में माइनस लिखेंगे अब लोग सो so, इधर आ गया हमारा ऑफ इंटू माइनस सिक्स अभी हम लोग ब्राकेट को हटाएंगे सो ऑफ इंटू माइनस सिक्स सो टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स सो हमें एरिया मिला एरिया ऑफ द ट्राएंगल ए बी डी ट्राएंगल ए बी डी का एरिया मिला हमें माइनस थ्री ओके बट एरिया जो है ना हम लोग लिखने के टाइम में थ्री न्यूमरिकल नंबर्स ऐसा लिखते हैं इसलिए थ्री होता है वो माइनस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे आंसर में माइनस कंसिडर करते हैं लेकिन एरिया लिखने के टाइम में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर ओके okay, प्लस के फॉर्म में लिखते हैं सो थ्री स्क्वायर यूनिट हो गया एरिया है तो स्क्वायर यूनिट मेंशन करते हैं लो, okay? so, Next, हम लोग ओके सो हमारा ए बी डी का एरिया आया थ्री स्क्वायर यूनिट्स नेक्स्ट हम लोग एरिया ऑफ ए डी सी फाइंड आउट करेंगे ओके okay? ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट फोर माइनस सिक्स ओके डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है फोर जीरो ए डी सी सी का कोऑर्डिनेट फाइव टू, अच्छी तरह से देख के कॉपी करने का है ओके okay. सो so, अभी ये एक्स वन वाई वन मार्क करेंगे हम लोग एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ओके अभी इसको हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल के फार्मूले में सब्सिट्यूट करने का है ओके सो ट्राइंगल हम लोग कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं अभी एडीसी फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्राइंगल ए डी सी ओके डायरेक्ट फार्मूले में हम लोग अभी सब्सिट्यूट करेंगे वर्टिसकेक्स्ट वाई टू माइनस वाई थ्री वाई टू मीन्स जीरो y3 means minus 2 plus x2 x2 means 4 y3 minus y1 y3 means 2 y1 means minus of minus 6 x3 5 into y1 minus y2 y1 means minus 6 माइनस वाई टू मीन्स जीरो वोल ब्रॉकेट ओके अभी नेक्स्ट स्टेप में ऑफ ऐसे ही लिखेंगे फोर जीरो माइनस टू मीन्स माइनस टू प्लस फोर इन टू माइनस इंटू माइनस प्लस टू प्लस सिक्स एट प्लस फाइव माइनस सिक्स माइनस जीरो मीन्स माइनस सिक्स अभी नेक्स्ट स्टेप में ऑफ इंटू फोर टू ज़ा एट माइनस ए माइनस वी विल पुट ओके नेक्स्ट एट फोर जॉ थर्टी टू प्लस सिंबल है प्लस सिंबल वी विल पुट नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस सिक्स फाइव जा थर्टी ओके इधर अभी माइनस एट माइनस थर्टी दोनों को ऐड करेंगे बिग्गर नंबर के पहले माइनस सिंबल है माइनस वी विल पुट थर्टी एट मीन्स थर्टी एट ओके अभी इधर प्लस थर्टी टू है प्लस थर्टी टू हम लोग इधर ही लिखेंगे एट माइनस टू मीन्स सिक्स थ्री माइनस थ्री जीरो अगेन बिग्गर नंबर के पहले माइनस सिंबल है सो so आंसर में हम लोग माइनस लिखेंगे ओके okay, अभी इधर ऑफ इंटू माइनस सिक्स अभी नेक्स्ट हम लोगों को सब्सिट्यूट करने का है तो ब्रैकेट हम लोगों को हटाना पड़ेगा ऑफ इनटू माइनस सिक्स होती है सो टू वन झा टू थ्री झा ओके सो हमारा ए डी सी का एरिया थ्री आती है माइनस थ्री आया है एक्चुअली आंसर हमारा ओके बट एरिया हम लोग लिखने के टाइम में माइनस को कंसिडर नहीं करते हैं थ्री लिखते हैं हम लोग थ्री यूनिट हमारा स्क्वायर यूनिट है एरिया बोला है तो स्क्वायर यूनिट्स आती है सो so, अभी हम लोग लिखेंगे इधर ए डी सी ट्राइंगल का एरिया जो है ना थ्री स्क्वायर यूनिट्स अभी पहले ही मैं बताया था आप लोगों को मीन्स ए बी सी ट्राइंगल को ए डी मीडियन डिवाइड किया है ओके इक्वल एरिया में डिवाइड किया है इक्वल ट्राइंगल एरिया में ओके इक्वल ट्रायंगल एरिया में ओके, सो ए बी डी का एरिया थ्री स्क्वायर यूनिट से आता है तो ए डी सी का एरिया भी थ्री स्क्वायर यूनिट से आती है सो so, हमारा आंसर राइट है सो so, फाइनली हम लोग ऐसा कंक्लूड करेंगे देर फोर मीडियन ऑफ द ट्राइंगल मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड इन ट्राएंगल इंटू इक्वल एरिया ओके सो फाइनली मैं लिख दिया आंसर मीडियन में ये डी ओके ये डी मीडियन ऑफ द ट्राएंगल डिवाइडेड दीज टू इन इंटू इक्वल एरिया ये भी थ्री स्क्वायर यूनिट्स है ये भी थ्री स्क्वायर यूनिट्स है ओके ये डी मीडियन हो गया हमारा है ना ए डी मीडियम डिवाइडेड दी टू ट्राएंगल्स ए बी डी एंड ए डी सी ट्राएंगल इन टू इक्वल एरिया दट इज थ्री स्क्वायर यूनिट्स एंड थ्री स्क्वायर यूनिट्स ओके इफ यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक मई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ओवरऑल नॉट सब्सक्राइब टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट थैंक यू फॉर